हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्को स्विच से हम लोग वीलैन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। वीलैन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्विच को एक्सेस करते हैं। ये देखिए जरा, स्विच जो है हमें एक्सेस हो गया है। सबसे पहले हम लोग यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए इनेबल कमांड यूज करेंगे। ये देखिए, हम लोग प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग वीलैन कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए शो स्पेस वीलैन कमांड यूज करेंगे। ये देखिए जरा, मेरे पास अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चार वीलैन है जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूं। सेकंड वीलैन है विशु, थर्ड वीलैन है विशेष, फोर्थ वीलैन है सेल्स और फिफ्थ वीलैन है अकाउंट के नाम से, जिसे मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक पर्टिकुलर वीलैन को कैसे रिमूव करते हैं वो देखते हैं जरा। तो अगर आप किसी एक इंडिविजुअल वीलैन को रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर मोड में आइए और यहां पर जस्ट एक कमांड यूज कीजिए, कमांड होती है नो स्पेस वीलैन टू, सेकंड वीलैन को रिमूव करने के लिए जस्ट ये कमांड यूज की जाती है, नो स्पेस वीलैन टू टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए, कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं। कंफर्म करने के लिए हम लोग दोबारा से कमांड यूज करेंगे शो स्पेस वीलैन, टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए और देख सकते हैं सेकेंड वीलैन जो है वो यहां से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एक पर्टिकुलर वीलैन को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप सभी वीलैन को एक साथ रिमूव करना चाहते हैं, देखिए जरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सभी वीलैन को अगर आप एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, शो स्पेस फ्लैश कमांड यूज करते हैं। देखो, मैं यहां पर शो स्पेस फ्लैश कमांड रन कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी सिस्को स्विच पर वीलैन क्रिएट करते हैं तो फ्लैश मेमोरी में एक फाइल क्रिएट हो जाती है वीलैन डॉट डेट के नाम से। इस फाइल में वीलैन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि इस स्विच पर कितने वीलैन क्रिएट किए गए हैं और उन वीलैन में कितने पोर्ट्स ऐड किए गए हैं, यानी कि कंप्लीट वीलैन की इंफॉर्मेशन जो है इस वीलैन डॉट डेट नाम की फाइल के अंदर स्टोर होती है। तो अगर आप सभी वीलैन को एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो फ्लैश मेमोरी से हमें इस फाइल को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए जरा, हम लोग कमांड यूज करते हैं इस फाइल को रिमूव करने के लिए, डिलीट स्पेस वीलैन डॉट डेट। फाइल को रिमूव करने के लिए कमांड यूज करते हैं हम लोग डिलीट स्पेस वीलैन डॉट डेट, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए, आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि आप वीलैन डॉट नाम की फाइल को आप रिमूव करना चाहते हैं या नहीं, तो जस्ट यहां पर आप एंटर की प्रेस कर दीजिए। दोबारा से जस्ट एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए जरा, रिमूव हो चुकी है वीलैन डॉट डेट नाम से फाइल। कंफर्म करने के लिए दोबारा से कमांड यूज कीजिए शो स्पेस फ्लैश, टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो पहले यहां पर वीलैन डॉट डेट नाम से फाइल अवेलेबल थी जिसमें वीलैन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हमने उसको इस कमांड के थ्रू डिलीट किया और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि वो फाइल जो है यहां से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जस्ट आप एक कमांड यूज कीजिएगा, क्योंकि
अगर आप यहां पर अभी शो स्पेस VLAN करते हैं तो यहां पर देखिए अभी आपको वो VLAN डिस्प्ले होंगे, ठीक है। इसके लिए जस्ट आपको अपना स्विच जो है एक बार रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड टाइप कीजिए और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा स्विच जो है वो रीलोड हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, दोबारा से आइए इनेबल कमांड के द्वारा प्रिविलेज मोड में चलिए और अब आप यहां पर शो स्पेस VLAN अगर हम लोग करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके सभी VLAN जो है वो डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग सिस्को स्विच से VLAN को रिमूव कर सकते हैं।